फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स यदि आपका किसी बैंक में सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है तो आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड में अपना केवाईसी अपडेट कराना होता है और ये सर्टेन टाइम पीरियड होता है 3 इयर्स। हर 3 साल में अपने कस्टमर का केवाईसी अपडेट करने की जो लाइबिलिटी होती है वो होती है बैंक की, और 3 साल बीतने के बाद हमारे मोबाइल पर SMS आने शुरू हो जाते हैं कि अपना KYC अपडेट कराइए, अपना KYC अपडेट कराइए। हम इस SMS को इग्नोर करते रहते हैं। रीज़न क्या है? हमारा अकाउंट दूसरे शहर में है, हमारा अकाउंट गांव में है, हम शहर में रहते हैं, हम अपना KYC अपडेट कैसे कराएं? क्योंकि KYC अपडेट कराने के लिए आपको अपने होम ब्रांच में जाना होता है। सपोज डेट आज मेरी जॉब दिल्ली में है, कल मेरी जॉब लखनऊ में हो जाती है और मेरा अकाउंट जो है यानी बैंक अकाउंट जो है दिल्ली में है, तो 3 साल बाद मुझे जब अपना KYC अपडेट कराना होगा तो दिल्ली जाना पड़ेगा यदि मेरे पास नेट बैंकिंग नहीं है तो। क्योंकि आजकल बहुत से जो बैंक हैं वो नेट बैंकिंग के थ्रू भी अपना KYC अपडेट करने की फैसिलिटी देते हैं और मुझे KYC अपडेट कराने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा तो मेरे पास टाइम है नहीं, मेरी जॉब है लखनऊ में, एक दिन की छुट्टी मिलती है संडे को, तो मैं संडे के दिन दिल्ली आऊँगा तो संडे को मेरा KYC थोड़ा अपडेट होगा। तो इसलिए मतलब कि थोड़ी सी दिक्कत होती है KYC अपडेट कराने में और हम उन SMS को इग्नोर करते रहते हैं। फाइनली आपके पास एक SMS आता है जिसमें कि आपको एक टाइम लिमिट दे दी जाती है कि भाई इतनी तारीख तक आप अपना KYC अपडेट कराइए, नहीं तो आपकी सारी ट्रांजेक्शन को स्टॉप कर दिया जाएगा। आप अपने बैंक से ना चेक काट सकते हैं, ना किसी को पेमेंट कर सकते हैं क्योंकि आपका KYC अपडेट नहीं है और बैंक आपकी सारी ट्रांजेक्शन को स्टॉप कर देता है। तो फ्रेंड्स अब आप KYC अपडेट कराने के झंझट से बच सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, KYC अपडेट कराने के झंझट से बचने से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि आपको KYC अपडेट करना नहीं पड़ेगा। अब आपको KYC अपना अपडेट कराने के लिए अपने होम ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे अपना KYC अपडेट करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको नेट बैंकिंग ही कंपलसरी है, बिना नेट बैंकिंग के भी अपना KYC अपडेट करा सकते हैं। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स इसके रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक प्रेस रिलीज पब्लिश की है। जी हाँ फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक प्रेस रिलीज निकाली है जिसमें कि KYC अपडेट कराने के रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस हैं और ये सारे गाइडलाइंस इंडिया में जितने भी बैंक्स हैं सबको इन गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि KYC का नया प्रोसेस क्या होने वाला है, चलते हैं और देखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस, इसके प्रेस रिलीज को देखते हैं और समझते हैं कि KYC का नेक्स्ट प्रोसेस अब क्या होगा। फ्रेंड्स जैसा आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रेस रिलीज है जो कि पब्लिश हुई थी 5 जनवरी 2023 को। इसका आप सब्जेक्ट देख सकते हैं पीरियोडिक अपडेशन ऑफ KYC डिटेल ऑफ कस्टमर्स, जो आप एक पर्टिकुलर समय में जो KYC अपडेट करते हैं उसके रिगार्डिंग में प्रेस रिलीज है। आइए थोड़ा स्लाइड करके नीचे चलते हैं और देखते हैं कि प्रेस रिलीज में क्या इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। इसका पॉइंट नंबर 2 हम पढ़ेंगे। एज पर द प्रेजेंट गाइडलाइंस इफ देयर इज नो चेंज इन KYC इंफॉर्मेशन ए सेल्फ डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल कस्टमर इज सफिशिएंट टू कंप्लीट द री KYC प्रोसेस। आज जो प्रेजेंट में जो गाइडलाइंस है उसमें यदि आपका KYC में कोई चेंजेस नहीं है, यानी सपोज डेट आपने अपना एड्रेस चेंज नहीं किया है या कुछ और चेंजेस नहीं है, तो आपको नॉर्मली एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे दिया जाता है, मतलब आप कर देते हैं कि मेरा KYC में कुछ चेंजेस नहीं है, तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। बट बैंक में जाएंगे तो ये बैंक वाले मानते नहीं हैं और बोलते हैं कि अपने KYC से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स दीजिए, अपना आधार कार्ड दीजिए, अपना पैन कार्ड दीजिए, ये हमें देना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से देखिए आप, द बैंक्स हैव बीन एडवाइज्ड टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ सच सेल्फ डिक्लेरेशन टू द इंडिविजुअल कस्टमर थ्रू वेरियस नॉन फेस टू फेस चैनल्स सच एज रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ATM, डिजिटल चैनल सच एज ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल अप्लीकेशन, लेटर, ETC। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स को एडवाइस किया है कि इस टाइप के सेल्फ डिक्लेरेशन और KYC आप नॉन फेस टू फेस चैनल के थ्रू आप ये सब कराइए, यानी कि कस्टमर को आप होम ब्रांच मत बुलाइए, ब्रांच में मत बुलाइए KYC कराने के लिए, आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू KYC कर लीजिए, उनका ईमेल आईडी के थ्रू KYC कर लीजिए, जैसे लिखा है यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू KYC करिए, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू आप KYC करिए, ATM के थ्रू आप KYC करवाइए, और भी कई डिजिटल चैनल्स हैं जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एप्लीकेशन, या फिर आप लेटर मंगवा लीजिए, लेटर जैसे कि आपने कुरियर कर दिया अपना KYC, इस टाइप से आप KYC कराइए। बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस टाइप की गाइडलाइंस दी है। इसमें आगे पढ़ते हैं, फर्दर इफ देयर इज ओनली ए चेंज इन एड्रेस कस्टमर कैन फर्निश रिवाइज्ड ऑब्लिक अपडेटेड एड्रेस थ्रू एनी ऑफ दीज चैनल्स। यदि आपके यानी कि जो कस्टमर है यानी जो बैंक का कस्टमर है उसके एड्रेस में किसी तरह का चेंज होता है तो भी बैंक जो है जो दीज चैनल्स मतलब जो ऊपर लिखे हुए हैं
जैसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, एटीएम, या फिर लेटर, या फिर इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ही आप इसको अपना केवाईसी को कंप्लीट करिए। तो फ्रेंड्स, अब आपको अपना केवाईसी कराने के लिए अपने होम ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू, अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू, अपने एटीएम के थ्रू, या और भी डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल चैनल्स बनेंगे जिसके थ्रू आप अपना केवाईसी के प्रोसेस को कंप्लीट करा सकते हैं। अभी ये बैंक्स को गाइडलाइंस दी गई है, इसको इम्प्लीमेंट होने में 2-3 महीने लगेंगे। जब तक बैंक इस टाइप के चैनल अपने डेवलप नहीं कर लेते, इसमें टाइम तो लगेगा, हो सकता है 3 से लेकर 6 महीने तक टाइम भी लग जाए। लेकिन ये 100% श्योर है कि आपका केवाईसी कराने के लिए आपको होम ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, आपने समझा कि केवाईसी का प्रोसेस अब क्या होने वाला है। अब आप घर बैठे भी अपना केवाईसी करा सकते हैं, आपको अपने होम ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, आशा करता हूँ पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।